नमस्कार जी, कैसे हो आप? ठीक बिल्कुल, आप सुनाओ कैसे हो आप? बिल्कुल रोज आनंद है आपका चैनल। हाँ, दस रन के दे, ओ भाई कल दस रन जाकर छह बजे नहीं सिलसागी मिगलानी साहब की धूम यहाँ भी है, जिंद के मिगलानी साहब की धूम यहाँ रोहतक में पहुँच गई है। हैं, सबने सुना था वो? मिगलानी वन, मिगलानी टू, दोनों सुने? मजा आया, सही बोल रहे थे वो? फुहारा था जी, अशिका फुहारा। अच्छा, खूब खूब सुनाई उन्होंने। तो अब हम आ गए रोहतक के इस हुडा पार्क में, और अभी ऐसे कुछ लोग मिल गए बैठे। हुडा पार्क ही है ना ये? तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। हुडा सिटी पार्क कब बना है ये पार्क? ये बना 2013 में। तो ये सब लोग यहाँ बैठे मिल गए, तो अब जरा इनसे बात करेंगे चुनाव के बारे में। वैसे मिगलानी साहब में क्या अच्छा लगा आपको? मिगलानी उसके सारी बात कह जाते मजाक मजाक में। हाँ। किसी को महसूस भी नहीं होता, जो कहना होता कह जाते। और चुटकियों में जो जो तंज है जबरदस्त। हाँ, वो ही तो खूब देर उसकी देखी सारी। तो कच्चा बदलने वाला, कच्चा बदलने जैसे दस्त नहीं रुकते, दस्त नहीं रुकते। बड़ा देखो उसमें थोड़ा होता है। अब ये क्या है कि हुआ ये कि मैं तो अचानक गया था उस जिंद के उस पार्क में, हर्बल पार्क में, बात करने में लोगों से। उसी बीच में वो मिल गए, तो मैंने कहा जरा इनसे बात करें। तो आदमी इतना इंटरेस्टिंग लगे कि हमने पार्ट वन पार्ट टू कर लिया। अब आप लोग कहेंगे तो हम पार्ट थ्री भी करेंगे चार पांच दिन बाद। तो अलग किस्म के आदमी है। अच्छा, चुटाला वाली सभी सब और रिपोर्ट भी देता है अपनी, हंसी मजाक भी करता है, बड़ी आदमी है। पॉलिटिकल कमेंट भेजता है, सारे काम करता। आपका क्या शुभ नाम है? वीरेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब, क्या आप नौकरी करते थे या खेती किसानी से जुड़े हो? नौकरी करते थे। करते थे? हाँ जी, रिटायर रिटायर हो गए। तो मैं तो ऐसे ही आ गया यहाँ पे घूमते घामते। घूम रहा हूँ हरियाणा, जब देख ही रहे हो आप। देख लिया जी, खूब घूमे। तो ये बताओ, ये तो ऐसे भी रोहतक तो हुडा का गढ़ है। 91 के बाद से जो आदमी तीन बार लगातार देवीलाल को हरा दिया। तो अब आप ही से शुरू करते हैं चौधरी साहब। बच्चों जरा बच्चों थोड़ा डिस्टर्ब कम करो, आप लोग चॉकलेट लो खाओ, मस्त रहो। तो हम लोग तो चुनाव के मौसम में जरा इसके लिए घूम रहे हैं कि चुनाव का क्या चल रहा है इधर। तो इधर गढ़ तो रहा है हुडा का है। हाँ जी। तो क्या माहौल है इधर? माहौल 100% है जी। किसका? बीजेपी का? भूपेंद्र सिंह हुडा साहब का। हाँ, कांग्रेस पार्टी। क्यों बजी? इसके बिना मजा ही नहीं आया। क्या मजा नहीं आया? मजा नहीं आया, इनने तो सारी तो ये थी अग्निवीर बना दी, उसमें नहीं ये पोर्टल बना दिए, इसमें भी स्वाद नहीं आ, लाइन न लगी रहे हैं। अभी भी किसी का पूरा ही नहीं हुआ है ये कागज पूरे। तो आप लोग को किसी को ऐसा है कि आईडी से, प्रॉपर्टी आईडी से दिक्कत हुई हो? बताइए, अभी बैठे होंगे जी। हाँ, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा रणवीर दहिया जी, रोडवेज से रिटायर हूँ मैं। अच्छा, पहले आप बताओ आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा हमारा हर चीज मुद्दा है, महंगाई, एक अग्निवीर, और दूसरा है बेरोजगारी इतनी होगी, तीसरा क्राइम इतना हो गया हर जगह, क्योंकि बेरोजगार आदमी होगी उनकी अपनी च्वाइस होती है, अपनी किसी न किसी तरह वो पूरी करेगा। उसने अगर एक बच्चा काम लाग जाए, अपने रोजगार पर हो जाता है, तो उसको उस तरह की कोई वो नहीं करेगा, क्योंकि वो बिजी स्टूल हो जाए। इफ ठाली बैठेगा आदमी, उल्टे काम सोचेगा, फिर जवान खून है, उनको करने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, एक अग्निवीर ऐसा चला दिया 4 साल में बेरोजगार, फिर आगे वो रह गए हैं। फिर दूसरा, इन्होंने कोई भी ऐसा वो नहीं छोड़ा अगर जो ना लठ मारे। दूसरा, इसका प्रॉपर्टी आईडी का, मेरा 250 गज का प्लॉट है, 250 गज के प्लॉट पर मेरा 35,000 हर साल इनकम टैक्स और हाउस टैक्स भरता रहा। एक मिनट भाई साहब। हाँ, 35,000 रुपये और टैक्स दे दिया। मैंने जाकर पूछा, मैं अभी ये बोले आपने बेसमेंट बना रखा है, मैं बेसमेंट आप बना के दे दूँ, मैं 1,00,000 रुपये भर दूंगा।
अच्छा, बिना बेसमेंट के आपके मकान बेसमेंट दिख रहा है, तो बढ़िया, एक तोहफा कबूल करिए फिर। बढ़िया, मैं कह रहा हूं बेसमेंट बना के दे दो भाई, मैं 1,00,000 रुपये भर दूं, आप 35,000। अच्छा, इसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये कितनी गंभीर समस्या है कि इनके प्रॉपर्टी आईडी में बेसमेंट नहीं है इनकी प्रॉपर्टी में, लेकिन सरकारी कागज में बेसमेंट दिख रहा है। तो ये बहुत दूसरा दूसरा रोडवेज है, रोडवेज कितना अच्छा काम कर रहे थे हम, के नाम है, मैं 12-12, 20-20 घंटे कंटिन्यू सीट पर बैठा करते, कंटिन्यू, और मेहनत कराया करते, मेहनत करके अब 8 घंटे ड्यूटी में, तो 4 घंटे ठाली बैठे रहे हैं, फिर 8 घंटे आंडे जहाँ हैं ठाली कर्मचारी बैठे हैं, बस है बस, वर्कशॉप में काम नहीं होता किसी भी तरह का। और मुद्दा गलियां का उठा के देख लो आप, कहीं भी किसी भी तरह का एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी भी तरह की अगर एजिटेशन करते हैं तो हमारा हक है एजिटेशन करने का, लेकिन उसको डंडे से दबाया जा रहा है। पूरे 10 साल के कार्यकाल में ये हुआ है। तो लेकिन मोदी जी तो कह रहे डबल इंजन की सरकार में बहुत विकास हुआ हरियाणा में, भी कुरुक्षेत्र में इतना लंबा भाषण दिया। भाषण में वो ये कह रहे हैं, कल भी मैंने एक बात बताई थी आपको, अगला वो फसल बीमा कर दिया, वो फसल बीमा तो कर दिया, पर एक ऑनलाइन सिस्टम है, एक अनपढ़ आदमी ने के मेरा ऑनलाइन में के कर है, वो हंडे जा चक्कर काटते, भाषण में आंकड़े का खेल है, आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े अपने आंकड़े कोई भी जोड़ कर दो। अच्छा, आप जनाब से आपका क्या शुभ नाम है? चंद्रकांत जी। चंद्रकांत क्या करते हो? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ जी, बिजली डिपार्टमेंट। अभी भी हो? हाँ जी। तब तो आपसे पूछने में खतरा है। इसलिए जी, मतलब आप पॉलिटिकल बात बोलोगे, सरकारी नौकरी है, सर्विस रूल है, मुझे आपकी चिंता है, आप हो सकता है खट से बोल दो, कोई भरोसा नहीं है रोहतक का, लेकिन मुझे चिंता होगी, बाद में कहोगे कि इनके वीडियो में दिखा और इनको एक सर्विस रूल के हिसाब से नोटिस आ गया। तो इसलिए चौधरी साहब, मैं जरा थोड़ी जगह देंगे, यहाँ बैठ जाऊँ मैं भी। हाँ जी, एक तो हरियाणा के लोग बड़े दिलदार होते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे हरियाणा जाना, और इसलिए मैं जो है लगातार 15 दिन से घूम रहा हूँ। एक और चौधरी साहब आए, चौधरी साहब बैठिए जरा, बैठिए बैठिए जरा। आपका क्या शुभ नाम हुआ? बलवान सिंह अहलावत। बलवान सिंह अहलावत साहब, आपका शुभ नाम हो गया, इन्हीं का हो गया। आपका शुभ नाम? इन्हीं के करो। अरे तो नाम तो अपना बता दो। सुरेश कुमार है। हाँ अहलावत साहब, ये बताओ सब ये क्यों करें, इन्हीं से बात करो, सबके नेता हो आप। ऐसा है जैसे सरकार है, इसमें सबसे मोटा था अग्निवीर का, जो देशी सुरक्षा से संबंधित मामला था, फौज जो है ना गारंटी के साथ लड़ाया करती, तो कि जिंदगी की और परिवार की गारंटी होया करती, अब अग्निवीर पैदा कर दिए। अग्निवीर साहब बेचारे क्या करेंगे 4 साल में, 4 साल में MLA MP को भी कह दो भाई थारी 1 साल की गारंटी है, जब आधे भी खड़े हो ले दो, किसी का बच्चा जा रहा है तो गरीब मजदूर किसान का ही जा रहा है, वो अपने परिवार को पालने के लिए जा रहा है ना, और उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह से बहुत कुछ है। अब रही बात, वोटर बहुत सियाणा हो गया है, अपने अंदर की बात नहीं बता होगा और ना बतावा। नहीं, वोटर तो बता रहे हैं खुल के ना, जो बलाना अलावा साहब, हो सकता आप ना बताओ, हम तो खाली इतना चाहते हैं जानना अलावा साहब, कि ये जो 10 साल हुई बीजेपी सरकार, इसको रखना चाहते हो कि पलटना चाहते हो? बस वो बता दिया तो फिर जाहिर हो गया। बिल्कुल नहीं है, वह फेल है, सरकार फेल है। हाँ, 10 साल से हम इस सरकार के पीछे घूम रहे हैं, एम्प्लॉय कोई से मेक में गए। हाँ, 10 साल पहले आनते ही नहीं कोई दी, हमने कैशलेस लागू कर दी, वो आज तक ही नहीं हुई पेंशनर की, अब तक नहीं हुई। दूसरी बात, जब भी उड़ गए हैं कदे CM मिलया नहीं, कदे भी खट्टर, ये भी बदल खट्टर। हाँ, तो खट्टर तो बदल दिया, आप सैनी आ गए, सैनी आ गया, ईसा सैनी, सैनी दौरे भी गए थे, सैनी न्यू कोई थी। आपकी बात कराऊंगा पेंशनर के विषय में, पहली सरकार जो लागू करके गई थी 65-70 की, वही ने भी हेल्ड कर लिया, 58-60 हो गई थी, वह कैंसिल कर दी, जबकि लोगों ने 3-4 महीने तनख्वाह ली थी, इन्हें कुछ नहीं करा। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, दूसरी किसान का मुद्दा है, 750 किसान मर गए, इन उसका अगर कोई हल नहीं हुआ, ना MSP लागू करी ना और कुछ, झूठ बोलते हैं सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। मोदी जी भी हरियाणा वाले भी ये भी सैनी हो खट्टर। हाँ, तो बदलना चाहते हो सरकार? हाँ, सरकार बदलना। आप चौधरी साहब, आप नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं,
आप जरा हम इधर बाकी लोगों के पास आते हैं। हाँ इधर भी बैठे हैं दो लोग। आप बुजुर्ग आदमी, आप कैसे उठे? अरे आप बैठो बैठो, ऐसे मत करो। प्रणाम, आपकी कितनी उम्र है? 80। तो आप मेरे पिताजी के उम्र के हो, यहाँ सबसे बुजुर्ग लग रहे हो, तो आशीर्वाद दो बस। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है भीम सिंह। भीम सिंह पंडित जी हैं तो भीम सिंह भी अत्री लगा दो। अच्छा, भीम सिंह अत्री। आपका रेहमन था, मेरा स्टूडेंट है। अच्छा 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 अच्छा। तो भीम सिंह जी, आप क्या टीचर रहे हो? हाँ, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर। रिटायर्ड हेडमास्टर है। तो इस बार अब तो सीधे हम बात चुके शुरू कर चुके हैं चुनाव की, तो आप क्या चाहते हो इस बार? सरकार पलटना चाहते हो या इसी को रखना चाहते हो? देखो, इस मामले में मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी राय निष्पक्ष नहीं। अच्छा, किस पार्टी से जुड़े हो? इतना नहीं बता, ये कोई जरूरी। तो ये बता दो, पार्टी बता दो, किससे जुड़ा हो, कांग्रेस या बीजेपी? चलो फिर मैं अगला सवाल नहीं पूछूंगा। नहीं, आप पूछो या नहीं, आप पूछोगे तो भी नहीं बताऊंगा। नहीं 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 पूछूंगा मैं, खाली ये पार्टी बोलने में क्या, जब किसी पार्टी जुड़े बोल दो मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं। बस, तो सबसे पुरानी पार्टी समझ लो। सबसे पुरानी पार्टी मतलब कांग्रेस? ये आपका काम है सोचने का। भाई 1885 की पार्टी कांग्रेस है और 1951 का जनसंघ है जो अब बीजेपी हो गई 80 में। ये तो फिर आप मेरे ज्यादा जानते हो, ये तो आप अंदाजा लगाओ। अब आप बता दो कि 50 के बाद वाली पार्टी में हो या उसके इससे बेटर तो नाम ही बता दो। अच्छा चलो, इतना बता दो चुनाव में क्या मुद्दा है आपके लिए, ये तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। देखो, वोटर के तौर पर एक मिनट। हाँ, इस पोर्टल से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। किससे नफरत? ये पोर्टल जो पोर्टल फैमिली आईडी है। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं इस पर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट लोड नहीं कर सकता, तो एक अनपढ़ आदमी क्या करेगा? आप ये बताओ, अगर आप सीएससी सेंटर वहाँ जाओ, कहीं ये कहेंगे सीएससी सेंटर पर जाओ, मेरे घरवाली के नाम में पीछे देवी नहीं लगा हुआ था, मैं तो लगा भाई देवी लगा दो, 150 रुपये ले लिए, एक महीने में लग जाएगा, एक महीने बाद फिर 50 रुपये दिए, फिर वो देवी मतलब एक देवी का 200 रुपये खर्च है। तो पैसे रिश्वत मांगे मतलब? नहीं, सीएससी सेंटर। अच्छा, जो फीस है वो दिया? रिश्वत नहीं है, फीस दिया। फीस दिया, तो वो एक पोर्टल वाली बड़ी समस्या है, जो फैमिली आईडी जहाँ भी जाएंगे हरियाणा में ये लोग इसका जिक्र करते हैं। और दूसरा ये बताओ, जो सरकार कहती है बिना पर्ची बिना खर्ची सारा सिस्टम चल रहा है, नौकरियाँ मिल रही है, करप्शन फ्री हो गया पूरा। देखो, इसके बारे में तो अलग अलग विचार हैं, पहले खर्ची थी, अब खर्चा हो गया, बस इतना फर्क है। चलो ठीक है, अब ज़्यादा ये बोलना भी इनसे नहीं पूछेंगे, उतने में ये बता गए जो इनके मन में था, कोई बात नहीं। तो हमारा भी काम है कुरेद के, बस निकाल लेना। अब देखो, हर दर्शक समझ गया कि आप क्या हो, कहने की जरूरत ही नहीं है। आपका शुभ नाम? नरेश दलाल। आपका शुभ नाम? रणबीर दहिया जी। अच्छा ये बताओ, अब मैं एक सवाल इसलिए पूछता हूँ कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें ज्यादातर जाट समाज के लोग हैं? सब हैं, सारे हैं। ओके, अलावत साहब है, दहिया साहब है, दलाल साहब है, एक ये अत्री साहब है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? 36 बरादरी है यहाँ सर। देखो, पंजाबी भी है, जाट भी है, ब्राह्मण भी है, बनिए भी सारे हैं। सर देखो, ऐसा है कि 36 बिरादरी का नारा हमने किसान आंदोलन से लेकर सब जगह सुना है, लेकिन 36 बिरादरी का मतलब है कि यहाँ 18 आदमी हैं। मैं अगर इधर से गिन के बता दूं कि 18 में अगर 15 जाट हैं तो बाकी बिरादरी तो नहीं होगी ना, 14 होंगे। ना 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 ना, ज्यादा हैं जी ये। अच्छा चलो मान लिया 36 लोग ही नहीं है तो 36 बिरादरी यहाँ कैसे होगी, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए सर, ये देखिए, ये मैं इसलिए पूछता हूँ, आप जानते हैं मेरा काम जात पात का नहीं है, लेकिन एक समझना, आप सब जानते हो, हमने पता है आप एक मशहूर पत्रकार हो, यूपी में भी आपने तहलका मचाया था, यहाँ भी तहलका मचा रहे हो, हमने ये अच्छी तरह पता है, आप हर एक चीज को खोल गए बताते हो। समझना चाहते हैं ना, उससे समझ में आता है कि जैसे आप जानते हो बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है जाट वर्सेस नॉन जाट, और ये इस तरह की राजनीति होती भी है, तो मैं जरा समझना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप बैठिए, अब जरा इधर से हम बात करते हैं। हाँ, अब एक मिनट जरा। ये जाति पाति जो है ना, ये राजनीतिक फायदे के लिए बनाई गई है। मैं 30 साल रोडवेज की नौकरी करे, एससी कंडक्टर रहा है मेरे साथ, कट्ठे खाना खाए, कट्ठे सोए हैं, ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रखे। कोई भी आदमी, मान ले गांव से पंचायत आएगी, 10 आदमी इकट्ठे हो गए, कहीं चाय की दुकान पर पूछते हैं कौन सी कास्ट की है, सही बात है, वहीं जाकर चाय पी लेते हैं, पूछते। ये तो इन्होंने हमारे अंदर फतूर डाल रखा है, और
हम बेवकूफ हैं जो इनकी बातों में आवाज़ जातिवाद, अपने असल मुद्दे उठाओ, असल मुद्दे उठाओ। सर सिर्फ पॉलिटिशियन के लिए है, हम आम आदमी के लिए कोई जातिवाद हम मानते ही नहीं। जातिवाद को सब भाई बैठते हैं, सब इकट्ठा खाते पीते हैं, सब फंक्शन करते हैं, सब शादियों में जाते हैं। अच्छा ये बताओ, रोहतक की बात अगर करें तो रोहतक के जो विधायक हैं बत्रा जी हैं कांग्रेस के, और ये पिछली बार यहाँ से मनीष ग्रोवर नाम है जो पिछली बार 2014 में यहाँ से बीजेपी के विधायक थे, 19 में 26-27 वोट से हारे, ठीक है। और अब जो इस बार मुकाबला फिर है, टाइट है क्या है रोहतक में? मुकाबला कहाँ है सर? रोहतक किसकी? बत्रा साहब या ग्रोवर साहब की? बत्रा साहब सर, ग्रोवर साहब तो 0-0 हैं। पिछली बार 2700 ही आ रहे, तो इसमें कैसे 12,000 से अब ये कौन साहब आ गए उधर? जैसे कर्म करेंगे वैसे ही तो पाएंगे ना सर फल। कौन? लेकिन यहाँ बताइए, देखिए सब कार्यकर्ता पहुँच गए, कौन है ये? यहाँ है भाई पत्रकार है। कौन है बताओ तो पहले? कांग्रेस पार्टी। क्या कैंडिडेट है? कौन है? कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ। चलो जी आप लोग वोट मांगो, हम लोग जरा बाहर चलते हैं। चलिए इधर आइए, आइए आ जाइए आ जाइए। अब क्या हो गया कि चूंकि चुनाव का मौसम है, पार्क में बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ वोट मांगने वाले लोग भी साथ साथ यहाँ घूम रहे हैं। जी जरूर जरूर। नहीं तो ऑफ द कैमरा जब शो खत्म करूँगा तब ना, अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी, तो ये इसी में घूमते रहते हैं पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह वोट मांगने के लिए। ये किस पार्टी तो सब तरह के आते हैं अभी इधर सब बीजेपी कांग्रेस तो है इनका मौका, अब हाँ। पैर भी पकड़ेंगे ये अभी तो पकड़ेंगे, पता है चुनाव का मौसम है। हाँ, चुनाव जीतते ही फिर तो सबको हाथ जोड़ते रहना है, चुनाव जीतते चंपत हो गए, चुनाव जीतते ही नजर भी नहीं मिलाएंगे बाहर की बाहर, पता चला घर पे उनके आदमी कहेंगे है ही नहीं घर पे साहब। ऐसा ही है। तो नमस्ते साहब। नमस्ते, कैसे हो आप? बहुत अच्छे, यहाँ का चलो बड़ा नमस्कार। जींद का पार्क नहीं है यहाँ, कच्चे नहीं बदले जाएंगे यहाँ तो जरा ठोके है, यो मारा हरियाणा है, देख के जाना आप यहाँ के। क्या नाम है आपका? धर्मवीर। तो जींद भी बड़ा मजेदार जगह है। हाँ, वो आपने जो पार्क में देखा ना उसका मिगलानी, हाँ मिगलानी, वो ठीक कह था, अब कच्चे बदलने से सरकार मिगलानी की पॉपुलरिटी बहुत जगह पहुंच चुकी है यहाँ पार्क में। बहुत बढ़िया, बहुत वायरल हो रहा है आपका यो कच्चा बदलना। सुन लीजिए मिगलानी साहब, यहाँ रोहतक के हुडा पार्क में भी, हुडा सिटी पार्क में भी आपके वीडियो की चर्चा हो रही है, तो हम फिर आ रहे हैं जींद 5 दिन बाद पार्ट मिगलानी पार्ट 3 के लिए। नहीं उसका उसका बहुत बढ़िया बोलता है। हाँ। बहुत बढ़िया बात। हाँ, बात आप ये बताओ सरकार किसकी चाहते हो इस बार? कांग्रेस की आ रही है, भूपेंद्र हुड्डा की। अच्छा, और कुमारी शैलजा यहाँ से? बत्रा जी आपकी बार है, शैलजा भी अपनी पार्टी की। अगर अगर पार्टी हाईकमान ने सोचा कुमारी शैलजा को बनना चाहिए तो? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी थोड़ी सीट है, उसकी सीट थोड़ी है, उसकी थोड़ी सीट है, भूपेंद्र हुड्डा की ज्यादा सीट है। सब लोग क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता? आप लोग सब लोग कांग्रेस कार्यकर्ता यार, सारे कार्यकर्ता हैं। तीन घंटे बीजेपी को नाम देने वाला नहीं है, यहाँ बीजेपी को नाम देने वाला सभी कांग्रेस। 10 साल में कोई विकास सिर्फ चार पांच धर्म के नाम पर राजनीति की। बेरोजगारी का आलम ये है कि जो MBBS PhD किए हो बच्चे ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, प्यून की नौकरी के लिए 40,000 एप्लीकेशन आए हैं। 40,000 एप्लीकेशन 4 साल से कोर्ट में अटकी हुई है सर। मोटे पैसे लेती है बीजेपी मोटे। एक मिनट लेकिन ये एक बात कहना चाहूँगा, मैं अभी पिछले साल रिटायर हुआ नवम्बर में। आप वहाँ बैठे थे ना अभी? हाँ, ग्रुप डी की, ग्रुप डी में भर्ती करी लड़की रोडवेज में मैकेनिक में, ग्रुप डी से जो MSc MBA वो कर रही है। अरे तो ऐसा सुन लो, ऐसा तो है नहीं कि हुडा साहब की सरकार आएगी तो सब प्रोफेसर बन जाएंगे और सीधे ये हो जाएंगे। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं ड्राइवर हूँ। हाँ। मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर के पद पे हूँ और रहा हूँ, मेरा हाँ। ड्राइवरी टेस्ट लो। हाँ। ड्राइवरी टेस्ट लो सबसे, अगर सही बात तो ये है जो ड्राइवर होगा ना, हम 4-4 साल हेल्परी करी है,
जब हम ड्राइवर बने हैं गाड़ी का पूरा ज्ञान हो गया है, और एक सीधा ड्राइवर चढ़ा देगा तो वो क्या करेगा? चलो हाँ। एक चीज मैं पूछना हाँ। चाहता हूँ, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो दिया, पहले आप बताओ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हो कि कार्यकर्ता हूँ मैं सर। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो दिया, उसने ये कहा है कि जो अग्निवीर है रिटायर होके आएगा हम उसको सरकारी नौकरी देंगे। अरे तुम दोबारा क्यों खर्चा करो, जो वो लगा हुआ उसको वहीं रख लो ना सरकारी। तो भाई ये तो जो कांग्रेस ने भी साथ गारंटी दिया उस पे भी लोग कह रहे हैं कहां से दोगे इतना कर्जा हरियाणा पे, आप बेरोजगारी भत्ता तो विधवा पेंशन आप गैस सस्ता सब कहां से दोगे? 2 लाख करोड़ का बजट 38,000 भी लगनी है, डी ग्रुप में मेरा काम की लड़की लागी हाँ। और वो कड़ी बदल में लाजी बोलो भाई के मतलब है एक बार बताओ जी पानी की कड़ी गलत ठाई एजुकेशन कोर थी आर्मी में, एजुकेशन कोर को बिल्कुल खत्म कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया आर्मी में एजुकेशन कोर थी। पंजाब राजस्थान ये सबसे ज्यादा देश को सैनिक देता है, इन्होंने सबसे ज्यादा इसी का ही मतलब कि जो हरियाणा का गरीब किसान मजदूर का बेटा होता है ना प्लस टू करके ये सोचता है कि मैं देश सेवा करूं, उनके लिए मतलब कि रास्ते बंद कर दिए इन्होंने। चलो ठीक है, तो यहाँ यहाँ बीजेपी के सपोर्टर को है कि नहीं? कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप दूसरी तरफ जाने दीजिए, आइए, बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। एक ग्रुप इधर बैठा है, हालांकि ताश खेल रहे हैं लोग, डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन उधर चलते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो वैसे देखिए, जो रोहतक बेल्ट है और रोहतक लोकसभा क्षेत्र है और रोहतक जिला है, तो इस इलाके में जाटों की आबादी लगभग 35% है। लोकसभा क्षेत्र अगर रोहतक की बात करें 15.5 लाख आबादी है, जिसमें लगभग 35-36% जाट, तो जाट बहुल भी है, और रोहतक तो हुडा का गढ़ है जो मैंने कहा, तो इसलिए जाटों में हुडा को लेकर, भूपेंद्र सिंह हुडा को लेकर एक ज़बरदस्त आकर्षण भी है, एकजुटता भी है, झुकान भी है, झुकाव भी है, रुझान भी है। इसलिए बीजेपी जाट वर्सेस अदर्स की राजनीति करने की भी कोशिश कर रही है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि जाट बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, इसलिए एक थ्योरी चलती है, कहा जा रहा है कि इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल, उसका बीएसपी से गठबंधन, और किसी ढंग से ऐसी बिसात बीजेपी भी चाहती है बिछे, जिसमें जाट वोट कट के कुछ इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला की तरफ जाएं, और जिससे कांग्रेस का जो वोट बैंक है भूपेंद्र सिंह हुडा और जो भी उनकी लीडरशिप की वजह से उसमें थोड़ा डेंट लगे। लेकिन जो यहाँ जो आपने सुना, जो लोग बात कर रहे हैं, अब यहाँ अलग अलग ग्रुप में खेल रहे हैं, मैं 2 मिनट आप लोग को डिस्टर्ब करूँ ताश खेलते हुए करें, तो बीच में आपका खेल ख़राब तो नहीं होगा चौधरी साहब? तो आपका क्या नाम है? जसबीर सिंह। जसबीर सिंह, हाँ जी। तो बस कट शॉट में, चूंकि आपका खेल खराब ना हो, हाँ। इस बार सरकार पलटना चाहते हो कि यही लाना चाहते हो? पलटना चाहते हैं जी। अच्छा, हैं? क्या चाहते हो? बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं पलटना चाहते हैं। अच्छा, आप सरकार पलटना चाहते हो कि रखना चाहते हो? पलटना चाहते। क्या नाम है आपका? बलीराम। बलीराम, आप क्या चाहते हो चौधरी साहब? चौधरी साहब हो? हाँ जी। क्या शुभ नाम है? अजमेर सिंह। क्या चाहते हो? पलटना। आप क्या चाहते हो? सारे पलटना चाहूं। सारे पलटना चाह देंगे? का इतना बढ़िया डबल इंजन सरकार का कौन है? इंजन एक तरफा बिना था, ये डबल ले रहे हैं। क्यों पलटना चाहते हो? मतलब रोड़ा का देख दोगे ना? हाँ, सारी चीजें देख लो। चलो ताश खेलो, ताश खेलो, एक झुंड लास्ट में, ज्यादा सैंपलिंग हो जाए जरा। आप लोग से एक एक सवाल पूछेंगे, आप लोग खेलते रहो ताश। तो क्या नाम हुआ आपका? राम फड़। हैं? राम फड़। तो हम सीधे सवाल पूछते हैं, चुनाव है, ये सरकार पलटना चाहते हो कि लाना चाहते हो बीजेपी सरकार? पलटना चाहूं। हैं? पलटना चाहूं। हाँ। किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस की। आप किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस की। अच्छा, आप किसकी सरकार चाहते हो? हम तो जिसकी बना उसमें शामिल। जिसकी बना उसमें शामिल। अच्छा, तो आप किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस की। आप? कांग्रेस। आप किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस है भाई साहब। यहाँ अच्छा, कांग्रेसी भाई साहब, क्यों कांग्रेस है? कांग्रेस से ऐसे अजीत ना दिन ने, ये देखो यहीं पे 7 वादे पक्के इरादे, कांग्रेस की गारंटी का पन्ना भी यहीं रखा हुआ। हाँ, ना दिन ने कोई रोजगार दिया युवाओं को, और जात पात का ज्यादा भेदभाव। हाँ,
कर दिया, इसलिए हम सरकार को बदलना चाहते। जात पात का भेदभाव किया? हाँ, बहुत तगड़ा किया, अब भी कर रहे हैं, इलेक्शन में भी कर रहे हैं। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, अब इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, लंबा भी हो गया और रात भी हो रही है। तो फिलहाल रोहतक के सूडा सिटी पार्क से शुभ रात्रि, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।